So hello guys, this is Jay and you're watching our channel Career Connect Services. Guys, आज की इस वीडियो में टॉप 20 गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर कवर करने वाले हैं CSE IT एंड CSE AIML जैसे ब्रांचेस लास्ट कितनी रैंक तक आपको मिल जाएंगे. मेक श्योर यार वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, मोस्ट अवेटेड वीडियो. बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, 20 कॉलेज को कवर कर रहे हैं एक सिंगल वीडियो में. फी स्ट्रक्चर के साथ आपको बता देंगे कि ये गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट कितनी रैंक तक आपको मिल जाएंगे. स्टार्ट करते हैं गाइस. ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं. तो गाइस अपना जो नंबर जो पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ, तो ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो लखनऊ में एस्टैब्लिश है. अगर हम इसे कट ऑफ के ऊपर बात करें तो भाई 840,000 तक CSE IT AIML जैसे ब्रांचेस अलॉट हुई हैं. 5% तक भी CSE मिल रही है. ठीक है, पैसे की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा महंगा है, 80,000 है. बाकी और दिखाऊंगा यार, बहुत कम में भी ये यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है. ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके चेकआउट कर सकते हो. यूनिवर्सिटी 2020 सिस्ट बीटेक एडमिशन अलाउ कर रही है. काफी सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं इसमें, तो रिव्यू ओवरऑल ठीक ही है. अगर आप क्योंकि फर्स्ट बैच का प्लेसमेंट अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो एक ऑप्शन क्रिएट होता है अगर आपकी रैंक 800,000 है और आप CSE ढूंढ रहे हो तो. उसके बाद आते हैं नीचे गई चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस SCRIIT मेरठ में है. ठीक है, अगर CSE IT CSE AIML जैसे ब्रांच को इंक्लूड कर लें तो 800,000 रैंक तक अलॉटमेंट पॉसिबल है. फीस की बात करें तो 65,000 रुपया में आपका काम चल रहा है. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि 65,000 रुपये में आपका काम चल रहा है. और ओवरऑल देखिए तो मेरिट में एस्टैब्लिश, और ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ये AKTU से एफिलेटेड नहीं है, खुद की अपनी यूनिवर्सिटीज है. काफी ह्यूज कैंपसेस हैं इनके. आप देखोगे तो यार कॉलेज का कैंपस क्या है इनके सामने, राइट, कई सारे कॉलेज इनके अंदर आ जाएंगे. तो इस तरह के कैंपसेस ये रखते हैं अपने पास. ठीक है, तो अब फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, जो कि अपना है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर. ये जौनपुर में एस्टैब्लिश है यार. अगर हम इसके CSE IT CSE AIML ब्रांच को देखें तो भाई 800,000 तक अलॉटमेंट पॉसिबल है. 7.9 लाख तक अलॉटमेंट हुआ है बच्चों को. पैसा समवट 65,000 से 68,000 रुपया लग जाता है इसमें. बीटेक कोर्स की बात करें यहाँ पे तो ठीक है, इनमें कोर ब्रांचेस मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, और मैं जितने ब्रांचेस बता रहा हूँ वो प्योर CSE IT या फिर CSE AIML जो लेटेस्ट ब्रांचेस हैं उन्हीं को कंसिडर करके पूरी वीडियो बना रहा हूँ, है ना. तो उसके लिए फर्दर कोई इशू नहीं होनी चाहिए. फिर आगे मूव करते हैं प्लेसमेंट स्टैट्स के ऊपर भी थोड़ी बात कर लेंगे कि इन कॉलेजेस में एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है, कैसे क्या सिनेरियो रहता है. देखो अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट कॉलेज को देख रहे हो तो मोस्टली आप देखो कि ऑफ कैंपस पे आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी, ऑन कैंपस यार कंपनीज ना के बराबर या कम आती हैं, इसका ध्यान रखना. बाकी बहुत सारी कंपनीज लाइक TCS, एक्सेंचर, इन्फोसिस ये ऑफ कैंपस में आपको लेके 3.2-3.5 का पैकेज इजिली, 4.5 तक का पैकेज इजिली लग सकता है. तो 3 से लेके 4.5 का ऑन एन एवरेज बच्चा प्लेस हो ही जाता है अगर वो CSE IT AIML जैसे ब्रांचेस में पढ़ रहा है तो. इन यूनिवर्सिटीज की बात करो, ठीक है, अभी आगे भी चीजें बताएंगे. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पे. तो अपना आ गया राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अयोध्या. ठीक है, तो यार इसके कट ऑफ की बात करें तो 4,80,000 तक यहाँ पे आराम से अलॉटमेंट हो जाएगा. फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 60,000 रुपये आपका लगता है, है ना. ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें वगैरह देख सकते हो. मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, है ना. फिर नेक्स्ट क्योंकि बहुत बड़ा लिस्ट है यार, ठीक है, कुछ छूटे ना आपसे, स्टार्ट करते हैं. तो ये है अपना डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ. यार प्राइम लोकेशन पे एस्टैब्लिश है, 4.5 लाख तो नहीं है लेकिन 4,30,000 तक 20,000 तक यहाँ पे. ये जितने भी कट ऑफ्स में बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी की ओपन रैंक पे बता रहा हूँ. तो भैया SC ST वालों तो टेंशन लो ही मत, अब जनरल में भी हो तो आपको आराम से कॉलेजेस मिल रहे हैं. EWS कैटेगरी भी नहीं लगाया है, ठीक है. फी स्ट्रक्चर की बात करें तो आराम से भाई 60,000 का सिनेरियो बन रहा है, तो इसमें ये पॉसिबल है, ठीक है. अब फिर नीचे चलते हैं और कॉलेज की बात करते हैं. तो नेक्स्ट कॉलेज जो अपना इंट्रोड्यूसेस है वो है डॉक्टर ये DDU गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय. तो यार ये पिछली बार ही UPSET काउंसलिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले BTech एडमिशन के लिए नहीं था ये, है ना. तो थोड़ा सा ध्यान से इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो आप, चीजें को ध्यान रखना. 2.4 लाख तक क्लोजिंग कट ऑफ गया था, तो क्लोजिंग कट ऑफ थोड़ा हाई रहा था, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था बट रहा था. पैसा कम ही लगता है, 50-55-60 हज़ार तक एडमिशन हो जाता है इसमें, पैसे की बात कर रहा हूँ. तो अब
बाकी जो मैंने प्लेसमेंट स्टैट्स की बात की कि अगर आप सीएससी आईटी जैसी ब्रांचेस ले रहे हो तो एक तरह से ठीक है कि आप अगर कुछ पैसा सेव कर रहे हो तो ऑफ कैंपस में प्रिपरेशन करके जा सकते हो, अदरवाइज कोर ब्रांचेस को लेना इनमें मैं अकलमंदी नहीं समझता और मैं इसलिए उसका कट ऑफ भी नहीं बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे फूड टेक्नोलॉजी फलाट इनका जैसे ब्रांचेस भी हैं इन यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि अपना एमजेपी रोहिलाखंड यूनिवर्सिटी बरेली, ठीक है। तो ये यार काफी तगड़ा कैंपस है इनका, आप देख सकते हो कैंपस की फोटो दिख जाएगी आपको, है ना। पैसा भी कम लगता है, 62,000 रुपया में आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। सीएससीआईटी एंड सीएससीआईएमएल जैसे ब्रांचेस में एक ही ब्रांच है जिसको कहते हैं सीएसआईटी, ठीक है। बाकी लिख तो सबके लिए दिया है, तो 2,10,000 तक भी आराम से आपको मिल जाता है इसमें, है ना, ठीक है। प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज वही मास रिक्रूटर्स में आप प्लेस हो जाओगे, 3.3 से लेके 4.5 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ऑफ कैंपस भी ये लोग उठा लेते हैं बल्क में, है ना। TCS, Accenture, Infosys, Wipro वगैरह की बात कर लें तो, अदरवाइज अगर आपको डेडिकेटेड प्रोडक्ट बेस वगैरह में जाना है तो खुद से प्रिपरेशन करनी होगी, बहुत एफर्ट खुद से लगाना पड़ेगा। कॉलेज की डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं है भैया, पैसा भी कम ले रहा है, ज़्यादा रैंक भी अलॉटमेंट है और सरकारी में भी पढ़ रहे हो, थोड़ा एफर्ट अपने एंड से भी देना होगा, तो ये जान लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर यार नेक्स्ट मूव करते हैं यार, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी पे अपन आ गए, है ना। तो यहाँ पे यार थोड़ा कट ऑफ बढ़ रहा है, अब कट ऑफ बढ़ना स्टार्ट होगा, 1,70,000 पे यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगी सीएससीआईटी जैसी ब्रांचेस में, ठीक है। पैसा थोड़ा सा वही 55,000 समथिंग प्लस कुछ एडिशनल चार्जेस वगैरह लगा के 67,000 तक आपका पैसा लग जाता है, फर्स्ट ईयर की फीस इतनी होती है, ठीक है। उसके बाद की फी थोड़ी कमी होगी, तो ये अपना ओवरऑल है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में स्टैब्लिश है। बुंदेलखंड BIIT अलग है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी अलग है, वो तो आप देख लोगे कट ऑफ से भी पता चल जाएगा, है ना। तो अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उससे पहले यार एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो यूपीसेट AKTU के लिए, तो हमारा काउंसलिंग प्रीमियम भी अवेलेबल है, जहाँ पे कंप्लीट काउंसलिंग सॉल्यूशन एंड गाइडेंस हम लोग दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए थ्रू आउट, एंड हमने 3 पैकेजेस को लॉन्च किए हुए हैं जिसको काउंसलिंग मिनी कहते हैं, जो 799 में अवेलेबल है। ये वो बच्चे जो थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं काउंसलिंग में, उसको हमसे थोड़ी गाइडेंस एंड चॉइस फिलिंग की डेडिकेटेड लिस्ट चाहिए, वो हमारा 799 ऑप्ट कर सकता है और उसको कंप्लीट चॉइस फिलिंग मिलेगी। तो इसमें भी हम सपोर्ट टिल कॉलेज एडमिशन तक दे रहे हैं, ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट पैकेज जो है वो है काउंसलिंग लाइट, राइट। तो काउंसलिंग नाइट में यार चैट सपोर्ट का फीचर इनेबल है, तो बच्चा हमसे चैट के थ्रू सारे डाउट्स पूछ सकता है टिल कॉलेज एडमिशन तक, है ना। तो ये काउंसलिंग लाइट भी अवेलेबल है, बहुत ही कम नंबर्स में अवेलेबल है, बीच में बंद कर दिया था लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद इसको ओपन किया है। तो यार 1-2 दिन के अंदर बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी हाई फ्लो आने वाला है जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगा, तो आप डिसाइड करके इसको ले सकते हो, है ना, अवेल कर सकते हो। अपना तीसरा है काउंसलिंग प्लस, इसके फीचर यार बहुत तगड़े हैं। काउंसलिंग प्लस में कंप्लीट चॉइस फिलिंग आप हमसे करवा सकते हैं, लाइव चॉइस फिलिंग आपके सामने एक्सपर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप पेरेंट्स को भी बिठा सकते हैं जूम कॉल के थ्रू, सेशन में भी आपकी चॉइस फिलिंग आपके पेरेंट्स को दिखा के कर रहे होंगे, है ना। चॉइस फिलिंग हम करते हैं, हम कोई लॉकिंग नहीं करते हैं, आप अपना कंप्लीट रिव्यू करो। और इसमें मल्टीपल चॉइस कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे रखा है, मतलब पहले राउंड में भी आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे, सेकेंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में, और इतनी गारंटी है, 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है आपसे। आपकी रैंक पे तो अलॉटमेंट छोड़ो, क्लोजिंग कट ऑफ पे नजर आओगे, ठीक है। तो जितने भी कॉलेज के क्लोजिंग कट ऑफ है उस पर आप रहने वाले हो, उसकी पूरी सियोरिटी मैं देता हूँ, लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो। बहुत सारे क्लोजिंग कट ऑफ पे हमारे बच्चे हैं हर कॉलेजेस में भी, तो लास्ट 2-3 ईयर्स में भी आप देखना उनके क्लोजिंग कट ऑफ पे, मैं दिखा भी दूंगा आपको। तो 2017 से ये चैनल है जहाँ पे हम लोग काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके, और पहली वीडियो कब अपलोड हुई थी काउंसलिंग से उसको जाके आप आइडिया लगा लेना। तो 6 साल, ऑलमोस्ट 5 साल का लाइव एक्सपीरियंस जब से पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हुआ है तब से देख रहे हैं, तो इसको अवेल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बात होगी यार, 1-1 घंटे का, 1.5 घंटे का सेशन होगा एक्सपर्ट के साथ, चीजों को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ गई, अब आ चुके हैं यार लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ भाई क्या कैंपस है इसका यार, आप देखो जरा, ताजमहल से कम थोड़ी ना है ना। तो यार सारी यूनिवर्सिटी का कैंपस ऐसा ही है, अगर आपको हॉस्टल लाइफ ट्रूली आपको लग रहा है ना इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस जाना है भाई, यूनिवर्सिटीज आपके लिए अच्छी हैं, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ एक ऑप्शन की तरह, पैसा थोड़ा बढ़ रहा है यार, अब यहाँ पे 90,000 रुपया आपका लगेगा, और कट ऑफ जो टारगेट, आप कट ऑफ जो लगने वाला है वो 1,70,000 तक, सारी सीटें
इसकी भर जाने वाली है। नॉर्मल राउंडिंग काउंसलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये बड़ा ध्यान रखना कि 1,70,000 तक सारी सीटें इसकी भर जाएंगी। फिर अब मूव करते हैं जिनको राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहते हैं, तो यहाँ से गेम चेंज होने वाला है। ठीक है, अपने पास 7 राजकीय कॉलेजेस हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सब में CACIT नहीं है, टोटल 6 में CACIT है, तो उनको इंक्लूड किया है पूरा। ठीक है, तो उसमें भी नंबर 1 पे जो कॉलेज आता है उसको कहते हैं बांदा, REC बांदा। ठीक है, नंबर 2 पे आता है वो है अंबेडकर नगर, एंड नंबर 3 पे आता है वो है कन्नौज। भैया इनमें लास्ट तक 1,60,000 रैंक तक अलॉटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, नॉर्मल राउंड में, स्पॉट राउंड में भी कम सीटें खाली होती है CACIT की इसमें, लेकिन हाँ स्पॉट राउंड में मामला बढ़ सकता है, 2.5 लाख तक, 3 लाख तक भी प्लेसमेंट, 3 लाख रैंक तक भी एडमिशन पॉसिबल है CACIT के अंदर इन कॉलेजेस में भी। तो स्पॉट राउंड तक अगर आप जाते हो, क्योंकि यार बहुत देख सकते हो कि 1,60,000 तक नॉर्मल राउंड में ये बंद हो रहे हैं। ठीक है, अब पैसे की बात कर लेते, कितना फी लगेगा। तो यार वो बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे देखो कि 48,000 रुपया और 9600 रुपया, तो आप मान के चलो कि टोटल 50, आप कैलकुलेट कर लो यार, तो 60,000 से अंडर आपका पूरा फी स्ट्रक्चर है, अराउंड 57,000-56,000 जो भी अप्रॉक्स आ रहा होगा। इतने में आप फर्स्ट ईयर पूरी कंप्लीट कर रहे होगे, तो 2 लाख के नियर अबाउट आप अपनी पूरी बीटेक कंप्लीट कर रहे होगे। तो फी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कम है राजकीय कॉलेज की, ऑलमोस्ट सारे राजकीय कॉलेज का फी स्ट्रक्चर सेम ही रहने वाला है, मोस्ट इफायती कॉलेजेस हैं ये। किन बच्चों को ये लेने चाहिए, यार CACIT मिल रहा है तो ले सकते हो आप, अच्छा ऑप्शन है, बाकी कोर में मैं नहीं सजेस्ट करता। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको ले सकते हो, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यार फीस स्ट्रक्चर आपका कम है एंड आप जो भी UPSC या जो भी एग्जाम की फर्दर प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, गेट वगैरह के लिए भी बच्चे इसको ऑप्ट कर लेते हैं, माय एक्सपीरियंस, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ भैया, तो लास्ट के 3 कॉलेज हैं ये, उसमें सोनभद्र सबसे ऊपर आता है, आजमगढ़ उसके नीचे, और सबसे नीचे मैनपुरी। ठीक है, मैनपुरी है ना, एक कॉलेज छूट गया यार, उस कॉलेज को फटाफट कमेंट में बताना कौन सा कॉलेज नहीं है जिसमें CACIT नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जो टारगेट आप रखोगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट गाइस, कट ऑफ थोड़े मिसमैच हो गए हैं। यहाँ पे जो टारगेट आपका है वो गलत है, यहाँ पे 1,20,000 का टारगेट, 1,20,000 तक अलॉटमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1,60,000 तक अलॉटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना यार, है ना, हम लोग गलत बता दिया कट ऑफ, भाई सारा कट ऑफ जेन्युइन है, लास्ट तक लगाया है आपके लिए, तो पूरा R&D लगा दिया है तब जाके ये बनाया है, तो काफ़ी रिसर्च वर्क लगा है भाई, सोया भी नहीं हूँ, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेक श्योर, एंड इस वीडियो को यार लाइक करके पहुंचाओ आगे थोड़ा, है ना, आगे प्रीमियम मेंबरशिप पे ही ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ना। तो गाइस डेडिकेटेड चॉइस फिलिंग सपोर्ट सब कुछ मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर। नाम समझ के ये मत समझ लेना भैया कि हैंडीकैप्ड के लिए है, सबके लिए रिजर्वेशन सबके लिए है इसमें। कट ऑफ काफ़ी हाई रहता है, 1 लाख तक ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए CACIT जैसी ब्रांचेस बंद हो जाती हैं बड़े आराम से, है ना। पैसा कितना लगेगा उसके ऊपर बात करते हैं, बहुत इफायती कॉलेज है, मेन कैंपस कानपुर में एस्टैब्लिश है, राइट। तो मेन कैंपस कानपुर में एस्टैब्लिश है, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, गेट की प्रिपरेशन करनी हो फर्दर PSUs वगैरह के लिए टारगेट करना हो आपको, बहुत अच्छी IIT कानपुर के पास आस में लोकेटेड है भैया, तो माहौल बहुत बढ़िया मिलने वाला है, राइट। अब यहाँ पे देखो कि 56,000 रुपया लगेगा अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो, और 71,000 रुपीज़ लगेंगे अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो, कोई हैंडीकैप नहीं हो आप तो। दोनों के लिए इसमें पॉलिटेक्निक भी है, तो एक चीज़ और भी है, डिप्लोमा भी है इसके अंदर, उससे आपको क्या करना, आप बीटेक वाले हो तो JEE मेंस के थ्रू आपका एडमिशन होगा, पूरा प्रोसेस है इसमें। CACIT अच्छी ब्रांच मानी जा रही है, इसमें एक ब्रांच और है जिसको हम जिक्र कर देते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी है इस कॉलेज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गेट क्वालिफाई करते हैं इसके अंदर, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो बताते हैं यार इसी में बच्चे जो है मोस्टली गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, और इसमें गेट के लिए बहुत अच्छा माहौल है, तो उसके कंसिडर में आप इसको टारगेट कर सकते हो। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और चीज़ों को सिनेरियो का आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो भाई अब बचे हैं अपने पास टॉप 3, तो इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे, फिर भी एक बार बता देता हूँ, अपना 20 का टारगेट पूरा हो गया है। ठीक है, तो अपना होता है IIT लखनऊ 0052, कॉलेज कोड याद रखना भैया, IIT के 5 कॉलेज हैं, गलती ना कर देना चॉइस फिलिंग में, बताया था तुमको। फिर अपना आता है कमला नेहरू KNIT सुल्तानपुर, एंड देन आता है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झांसी। तो ये AKTU के टॉप 3 कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, बाकी ये सारे ही सरकारी हैं। ठीक है,
कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस हैं, बट हैं सब सरकारी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भाई अब बात कर लेते हैं CSE IIT AIML का क्लोजिंग कट ऑफ, बस 65,000 इसमें बंद हो जाता है। तो गाइज हाँ, 4 राउंड की काउंसलिंग तक ये 65,000 तक ही बंद हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप स्पॉट तक इंटरनल स्लाइडिंग तक जाते हो तो चांसेस है मे बी 80,000-85,000 तक ITCSE में कन्वर्ट हो जाओगे, उससे ऊपर तो नहीं जाने वाला है। पैसे की बात करें तो 80,000 रुपया से लेके 1,10,000 रुपया तक लगेगा। 80,000 लगेगा BIT झांसी का, सबसे कम पैसा लगेगा। और भाई सबसे महंगा है अपना IIT लखनऊ, उसमें भी जिसकी सेल्फ फाइनेंस वाली एक सीट है CSE, उसमें 10-15,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो 1,25,000 तक भी पहुंच जाता है बजट आपका। तो ओवरऑल गाइज पूरा पूरा कंप्लीट 20 वीडियो का रिव्यू दे दिया है, पूरा पूरा आपको बता दिया है। फर्दर आप अपनी चॉइस फिलिंग इस तरीके से कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, मेक योर चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे प्रीमियम मेंबरशिप का फायदा यह है कि आपको तुरंत तुरंत कॉल आ जाता है, जैसे आप ज्वाइन करते हो विद इन हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर ही आपको कॉल आता है, क्योंकि डेडिकेटेड टीम हमारी बहुत बड़ी है। हम नहीं चाहते स्टूडेंट ट्रबल हो, 48 आवर्स और 72 आवर्स में उनको कॉल सपोर्ट दे रहे हैं तब तक उनका डाउट ही खत्म हो जाए, तो उस तरह की चीज़ें नहीं है। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट अवेलेबल है 1999 के साथ, और चॉइस फिलिंग कंप्लीट काउंसलिंग हम खुद कर रहे होंगे, ठीक है, वो भी हमसे जुड़ के सारी चीजों का सपोर्ट ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।